असल में हमारा मकसद ये है इस वक्त कि पिछले साल भी हमने इस वक्त एक प्रोग्राम किया था तसहीह कुरान के उन्वान से, और हमने जो नमाज में कसरत से पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं उमूमन जो आखिर की 10 सूरतें हैं उनको उमूमन सब लोग पढ़ याद भी होती हैं और सब पढ़ते भी हैं, तो पिछले साल उनकी तसहीह कराई थी। और इस साल जहन में ये बात आई कि जिस तरीके से कुरान को सही पढ़ना मकसद है, इसी तरीके से ये भी मकसद है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये नमाज में जो हम सूरतें सुन रहे हैं, कम से कम जो बहुत ज़्यादा सुने जाने वाली सूरतें हैं उसमें क्या बतलाया जा रहा है, ये चीज़ हमारे सामने आए। जब पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है उसका मतलब, उसका मफहूम, कोई मोटा मोटा मफहूम हमारे सामने होगा, हमारे जहन में होगा, तो हमारा दिल नमाज में दिल भी लगेगा, हमारा दिल नमाज में दिल भी लगेगा और हमारे लिए नमाज को खुशो खुजू के साथ पढ़ना आसान भी होगा। तो इसलिए हम ये जो आखिर के 10 दिन हैं इसमें हमने ये सिलसिला शुरू करने कर रहे हैं कि अलम तरह से हम शुरू करेंगे और वन्नास तक हम हर सूरत का रोज़ाना एक मुख्तसर सा खुलासा पेश करेंगे। आज अलम तरह के सूरह फील इसे कहते हैं, इसका खुलासा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरह कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ये सूरह फील है, इसमें 5 आयतें हैं। अलम तरह को सूरह फील कहते हैं और इसमें 5 आयतें हैं। इस सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 2 महीने पहले एक मक्का में वाकया पेश आया था, उस वाकये का तज़किरा कर रहे हैं। उस वाकये का तज़किरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें अल्लाह तबारक तआला की अज़मत का मुजाहरा है, मक्का की शान उसमें बढ़ रही है, हरम की शान उसमें बढ़ रही है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरीके से आने की पेशिनगोई हो रही है, इसलिए उस वाक़े को अहमियत के साथ ज़िक्र किया। और ये वाक़या इतना अहम था अरबों में कि वहाँ उस वाक़े से लोग अपने हालात जोड़ते थे कि ये मेरी पैदाइश उस साल हुई जिस साल हाथियों वाला वाक़या हुआ था, हाथियों वाले साल से इतने साल हो गए, तो लोगों ने उसको अपनी तारीख का एक हिस्सा बनाया। तो इसलिए कुरान करीम ने भी उसको बयान किया, उसकी अहमियत को ज़िक्र किया और उसमें इस तरफ भी इशारा है कि जो शख्स भी दीन या दीन वालों की मुखालफत करता है तो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर आदाब आता है। जो शख्स भी दीन या दीन वालों की मुखालफत करता है तो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर आदाब आता है और अल्लाह उसको शिकस्त देने के लिए किसी इंसान के मोहताज नहीं होते, और उसको अज़ाब देने के लिए, शिकस्त देने के लिए अल्लाह तबारक ताला अपने किसी भी मखलूक को, ज़रा से भी मखलूक को इस्तेमाल कर सकता है। उस एक मखलूक का तज़किरा यहाँ पर हुआ। फील अरबी में हाथी को कहते हैं, फील अरबी में हाथियों को कहते हैं। अरबों में चलन था ऊँटों का, लेकिन अब्रहा जिसके साथ ये वाक़या पेश आया ये यमन का हाकिम था और यमन मक्का से कुछ फासले पर था और ये हिस्सा था हबशा की हुकूमत का, हबशा की हुकूमत का ये हिस्सा था और अब्रहा यमन का गवर्नर था, हाकिम था। वहाँ उसने एक जिस तरीके से मक्का में हरम था, बैतुल्लाह था, लोग उसका तवाफ़ करते थे, उसकी इज्जत करते थे, उसके ऊपर नजर व नियाज के सामान निछावर करते थे, इसी तरीके से उसने यमन के अंदर एक कलीसा बनाया। वो नसरानी था, नसरानी था तो इसलिए उसने एक कलीसा बनाया और उसकी चाहत ये थी कि लोग हरम को छोड़कर अब इस कलीसा की इज़्ज़त करना शुरू कर दें और इस कलीसा में आकर इबादत करना शुरू कर दें जिस तरीके से हरम में जाया करते थे, बैतुल्लाह में जाया करते थे। अब वहाँ तवाफ़ करना और वहाँ जाना और वहाँ नजर व नियाज को निछावर करना छोड़कर यहाँ यमन में जो मैंने कलीसा बनाया, बहुत आलिशान उसने कलीसा बनाया था और उसका मकसद ये था कि ये बैतुल्लाह का मुतबादिल हो जाए, लोग बैतुल्लाह को भूल जाएं और इस कलीसा की उनकी ज़िंदगी में एक अहमियत हो जाए और लोग इसके यहाँ आना शुरू कर दें। इस इरादे से उसने जो है वहाँ कनीसा बनाया और ये इरादा जाहिर कर रहा था। वहीं किसी अरब ने ये बात सुन ली और अरब अगरचे बुत परस्त थे, बुतों की इबादत किया करते थे,
लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तज़ीम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए घर की तज़ीम यानी बैतुल्ला की हरम की तज़ीम उनके दिलों के अंदर बैठी हुई थी, तो उस बुत परस्त अरब को भी ये बात पसंद नहीं आई, तो उसने मौका पाकर उस कनीसा में बढ़ा और वहाँ तन्हाई में जो है उस कनीसा में गंदगी फैला दी और बाद रिवायतों में आता है कि उसके बाद हिस्सों को जला दिया। ये चीज़ अब्रहा को मालूम हो गई, वजह बनी थी बैतुल्लाह की अजमत, तो लिहाजा उसने अब ये सोचा और ये इरादा किया कि अब मैं बैतुल्लाह ही को ढा दूँगा, अब मैं बैतुल्लाह ही को ढा दूँगा। और वो बैतुल्लाह को ढाने के लिए अरबों के रिवाज से हटकर हाथियों को लेकर चला, हाथियों को लेकर चला। अरब जो है घोड़ों से सवारी करते थे या ऊँटों से सवारी करते थे, उमूमी रिवाज जो था वो ऊँटों के इस्तेमाल का था, लेकिन उसने जो है उन ऊँटों को छोड़कर वहाँ उसमें जो है हाथियों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर इस वक्त ये हाथी वहाँ अरबों में एक नई चीज़ थी, इसलिए ये वाक़या हाथियों वाले से मशहूर हो गया, हाथियों वाला वाक़या। तो जब वो अब्रहा चला यमन से तो दरमियान में बहुत से अरबों के कबीला आए और सबको ये जिसको भी ये बात मालूम होती थी कि ये हरम को ढाने के लिए जा रहा है, बैतुल्लाह को ढाने के लिए जा रहा है, तो सबके दिलों में गुस्सा था। बहुत सारे कबीलों के सरदारों ने निकलकर उसके मुकाबला भी करना चाहा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा लश्कर था, कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार वो बैतुल्लाह के मक्का के करीब पहुँच गया और बैतुल्लाह के करीब पहुँच कर उसने वहाँ पड़ाव डाला और पड़ाव डालने के बाद उसने लोगों में हैबत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के लोग मक्का में भेजे। उसने एक शख्स को इसलिए भेजा कि जाओ और मक्का में जितने भी लोगों का मालो सामान और मालो माल और जायदाद और या कुछ भी सामान मिले तुम उसको लूट लो। तो लिहाजा वो गया और वहाँ ख़ासतौर से अब्दुल मुत्तलिब के जो उस वक्त मक्का के सरदार थे, कुरैश के सरदार थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके भी ऊँट चल रहे थे, उनके 200 ऊँट पकड़ लिया है और एक शख्स को भेजा उस ये ऐलान करने के लिए कि हमारा लश्कर आ रहा है और हम जो है सबको तख्त व ताराज कर देंगे, सबको जो है नेस्त व नाबूद कर देंगे, इसलिए जो है हर एक जो है अपनी अपनी पना ले ले, यानी लोगों के दिलों के अंदर दहशत पैदा करनी शुरू करी उसने। मक्का वाले इस बारे में सोच ही रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब को इसके बारे में मालूम हुआ। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार भी थे, कुरैश के सरदार थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्हें जब इस चीज़ की इत्तला हुई और ये भी इत्तला हो गई कि दरमियान में बहुत से कबीलों ने इसको रोकने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ और सब जो है शिकस्त खाए, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने कुछ साथियों के वास्ते से अब्रहा से मुलाकात करना चाही। वास्तों से वो उनके पास पहुँचे कई वास्तों के बाद, तो जब अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, अब्दुल मुत्तलिब अरब के सरदार होने तो थे ही और बहुत लहीम शहीम भी थे, बहुत खूबसूरत भी थे, तो अब्रहा के ऊपर उनका असर हुआ और इतना असर हुआ कि अब्रहा अपने तख्त पर बैठे और उनको नीचे बिठाए ये उसने गवारा नहीं किया, तख्त पर बिठा नहीं सकता था और उन्हें नीचे बिठाना उसे गवारा नहीं हुआ, उनकी उनके लहन शहन को देखकर, उनके खूबसूरती को देखकर उनसे मुतासिर हुआ, उनके रौब उनका रौब उनके ऊपर पड़ा, तो उसने जो है ख़ुद तख्त से उतर कर नीचे बैठना गवारा किया और अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर बातचीत शुरू करी और उसके वहमो गुमान में ये था कि ये मक्का के सरदार हैं और मुझसे जो है मन्नत समाजत करेंगे और कहेंगे कि मैं लौट जाऊँ और फिर मैं इन्हें जलील करूँगा। अब्दुल मुत्तलिब ने इस तरह की कोई बात उससे नहीं करी और उससे कहा कि देखो मैं जो है अब्दुल मुत्तलिब हूँ, तुम्हारा आदमी मक्का गया था, मेरे 200 ऊँट वो जो है कैद कर लाया, चोरी कर लाया, लूट लाया और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ वो 200 ऊँट आप मेरे छोड़ दीजिए। उसने कहा कि आप मक्का के सरदार, आप जिस वक्त यहाँ मेरे दरबार में आए थे उस वक्त मेरे ऊपर आपके आने से इतना असर हुआ था और मेरे दिल के अंदर आपकी एक इज़्ज़त पैदा हुई थी, लेकिन आपकी ये जुमला कहने से मेरे दिल के अंदर से आपकी सारी इज़्ज़त ख़त्म हो गई। आपको मालूम है कि मैं मक्का बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया हूँ, हरम को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और आप लोगों को जो है शिकस्त देने के लिए आया हूँ, उसके बावजूद भी आप अपने ऊँटों की फ़िक्र कर रहे हैं।
आपको बैतुल्लाह के सिलसिले में मुझसे बात करनी चाहिए थी, उसके सिलसिले में जो है गुफ्तगू शुनीद करनी चाहिए थी, और आप जो है अपने ऊँटों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं हूँ इन ऊँटों का मालिक, उस घर का मालिक कोई और है, उस घर का मालिक कोई और है, और मैं अपनी जिस चीज़ का मालिक हूँ उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, और जो उसका घर जिसका घर है वो उसकी हिफाजत करेगा, हम तो तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। और ये कह के वहाँ से वापस आ गए, उसने 200 ऊँट छोड़ दिए, वो अपने ऊँट लेकर वापस आ गए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह में आए और काबे की जंजीर को पकड़कर खूब देर तक दुआएं मांगी और कहा कि अल्लाह, हम तो उसका मुकाबला कर नहीं सकते, आप ही इस घर के मालिक हैं, आप ही इस घर की हिफाजत करने वाले हैं। और इधर ये सब दुआएं मांगने के बाद उन्होंने मक्का वालों को के अंदर ये ऐलान कर दिया कि हर एक शख्स जो है अपनी हिफाजत करे, आबादी को छोड़कर पहाड़ों पर चला जाए ताकि वो अपने जानवरों की और अपने माल की अपनी जान की हिफाजत कर सके और इसके लश्कर से महफूज रहे। इसके कहने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने, जैसे कि कुरान करीम में जिक्र है, अलम तर कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हम सबको मुखातब करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा या आपको नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक ताला ने या आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। अलम तरा, ये एक जैसे हम लोग अपने ज़बान में बोलते हैं ना, मालूम है तुम्हें वो जो हुआ वो तुम्हें मालूम है, ये एक मुहावरी जुमला है कि आपको मालूम है कि आपने देखा, कैफ फअला रब्बू का, कि आपके रब ने क्या किया, आपके रब ने क्या कैसा मामला किया, भी अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अस्हाब साहिबुन की जमा है, जैसे साहिब माल, साहिब बैत, साहिब घर कहा जाता है, ऐसे ही हाथी वाला, फील कहते हैं हाथी को, कि हाथी वालों के साथ आपके रब ने क्या मामला किया आपको मालूम है। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कि आपके रब ने उनकी चालों को उल्टा कर दिया, बेकार कर दिया। आए थे बैतुल्लाह को ढाने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने, वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर गोल के गोल चुड़ियों के भेज दिए, परिंदों के गोल उनके ऊपर भेज दिए। मशहूर अबाबील परिंदा है, लेकिन अबाबील कहते हैं खुद परिंदे ही को अबाबील कहते हैं, कि एक जो है परिंदे को अल्लाह तबारक तआला ने समंदर की तरफ से भेजा और उस हर परिंदे के पास तीन कंकरियाँ थी, हर परिंदे के पास एक चोंच में और दो जो है पंजों में तीन कंकरियाँ थीं, और वो कंकरियाँ जो है वो गोल का गोल आया लश्कर के ऊपर और वो कंकरियाँ छोड़ दी। उन कंकरियों के छोड़ने का असर ये हुआ कि बाज़ रिवायतों में आता है कि वो कंकरी जहाँ पर भी गिरी, जिसके सर पे लगी तो सर के पूरा पार करते हुए ज़मीन के अंदर धंस गई, हाथी पर लगी तो हाथी के ऊपर से जो है पूरी पार होती हुई ज़मीन के अंदर धंस गई। और बाज़ लोगों ने ये कहा है कि वो कंकरी जिसके ऊपर भी गिरी तो उसके जिस्म के अंदर चेचक पैदा हो गई, चेचक पैदा हुई और उसका असर ये हुआ कि वो वहीं के वहीं हलाक हो गया। और अब्रहा जो इस लश्कर का सरदार था, उसने जब ये सारा मामला देखा तो उसने भागना शुरू किया, जब उसने परिंदों का ये मामला देखा तो उसने भागना शुरू किया, और भागते भागते जो है वो यमन की तरफ पहुंचा। सबसे इबरतनाक जो सज़ा मिली और सबसे इबरतनाक जो मौत हुई वो अब्राही की हुई, कि अल्लाह तबारक तआला ने उसके जिस्म के अंदर जहर का असर पैदा कर दिया उस कंकरी के लगने की वजह से। वो वहीं हलाक नहीं हुआ, उसके जिस्म के अंदर जहर का असर पैदा कर दिया, जहर का ऐसा असर पैदा हुआ कि उसके एक एक आज़ू करके टूटे गए, टूटे हर आज़ू उसका अलग अलग जुदा हुआ, और लोगों ने उसकी सज़ा, उसकी मौत को इबरतनाक अंजाम देखा, उसकी मौत का इबरतनाक अंजाम देखा, कि वो एकदम से हलाक नहीं हुआ, एकदम से नहीं मरा, हल्के हल्के उसकी जो है मौत हुई, कि पहले एक आज़ू कटा, फिर दूसरा आज़ू कटा, फिर तीसरा आज़ू कटा, फिर चौथा आज़ू कटा, तो उसके जिस्म के अंदर जहर के असरात पैदा कर दिए, जिसकी वजह से वो उसके सारे जिस्म के आज़ा जो है जुदा जुदा हो गए, और वो उस आज़ा के जुदा जुदा होने की वजह से इबरतनाक मौत मरा। तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको बताया, वा अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और हाँ, आपके रब ने उनके ऊपर जो है परिंदों के गोल भेजे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और उनके ऊपर
छोटे छोटे पत्थरों की कंकरियाँ थी। सिज्जील कहते हैं ऐसे पत्थर को कि जिसमें पत्थरपन भी होता है और मिट्टी भी होती है, कि उनके ऊपर जो है कंकरियाँ फेंकी, पत्थर की कंकरियाँ फेंकी। फजअलहुम कअस्फि माकूल, और वो उस कंकरियों के पड़ने की वजह से ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूसा, जैसे खाए हुए भूसा। वो लश्कर जो पूरे आबोताब के साथ आ रहा था, पूरे लाओ लश्कर के साथ आ रहा था, पूरी कुव्वत के साथ आ रहा था, कि उसको इस तरीके से बना दिया उस कंकरियों की वजह से जैसे खाया हुआ भूसा, कि जिसकी कोई हैसियत ही नहीं होती, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरत में इस वाक़े को ज़िक्र किया कि ये वाक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की पेशनगोई भी थी, और इसमें काबे की अज़मत भी थी, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई थी। इस वजह से क्योंकि जो अब्रहा था वो नसारा था, और मक्का वाले जो है बुत परस्त थे, मज़हब के एतबार से वो आला मज़हब वाले थे, आसमानी मज़हब वाले थे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत में मक्का वालों की मदद करी, मक्का वालों की बुत परस्तों की मदद करी, इसलिए कि एक इशारा देना था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।